नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि बढ़नी चाहिए तेलंगाना हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, सेवानिवृत्त कर्मचारी की गरिमा के लिए पेंशन जरूरी। डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का मसौदा जारी, 3 सितंबर तक दे सकते हैं डेटा की सुरक्षा से जुड़े सुझाव। डॉल्फिन संरक्षण के लिए एकजुट हुए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार। दुष्कर्म की झूठी शिकायत पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाया महिला पर 25,000 का जुर्माना। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के वेतन से जुड़े मसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने किया निपटारा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए कांग्रेस ने शुरू की तैयारी, उम्मीदवार चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा पर बैठक ना करने के लिए निशिकांत दुबे ने शशि थरूर से किया आग्रह। एम्स के विशेषज्ञ ने कहा कि कोविड-19 सभी अंगों को कर सकता है प्रभावित। कोरोना के कारण चुनाव आयोग बिहार में करेगा M3 EVM का इस्तेमाल। मिजोरम ने केंद्र से पूछा, असम राइफल्स भूल गया है कि राज्य में अपसपा लागू नहीं है। PPRND कल मनाएगा अपनी गोल्डन जुबली, वर्चुअल कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। मुंबई में थाने की अदालत ने तबलीगी जमात के 28 सदस्य को किया रिहा। गोवा NSUI ने केंद्र सरकार से किया नीट और JEE की परीक्षाएं टालने का आग्रह। कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल में 9 सितंबर से विधानसभा सत्र। NGT ने CPCB को प्रयोगशालाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने का दिया निर्देश। खनन कंपनी वेदांता ने स्टारलाइट प्लांट के खोलने पर रोकने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। थॉमस उबेर कप में सिंधु, साइना और श्रीकांत सहित शीर्ष शटलर खेलने को तैयार। बार्सिलोना को अभी भी मैसी के रहने की उम्मीद, तकनीकी निदेशक ने कहा वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। फॉर्मूला 1 2020 के संशोधित कैलेंडर में 4 और रेस जोड़ी, सत्र का अंत 13 दिसंबर को होगा। कंगना रनावत के खिलाफ दर्ज हुआ है मुकदमा, देशद्रोह का लगा है आरोप। ड्रग्स को लेकर कंगना रनावत का सनसनीखेज खुलासा, बोली स्टार्स का नार्कोटिक्स टेस्ट होगा तो कई जेल जाएंगे। तमन्ना भाटिया के घर पहुंचा कोरोना, माता पिता पाए गए कोरोना पॉजिटिव। सोनिया ने कहा राज्यों को GST मुआवजा नहीं देना, जनता के साथ विश्वासघात जैसा। वरुण गांधी ने कहा ना आक्रामक हूँ ना दक्षिणपंथी, मैं हूँ मध्यमार्गी वामपंथी सोच वाला।